नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष राजपूत और आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप गारमेंट का बिजनेस शुरू करते हैं तो इन फ्यूचर आपको किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हमने पहले भी एक वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बनाया था, पर लेकिन आपका प्यार इतना मिला उस वीडियो को, लाइक कमेंट बहुत सारे हैं आपके, तो आज उसी का पार्ट टू लेके आए हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कपड़े के व्यापार में जब आप इसे शुरू कर देते हैं किन किन प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ता है। सबसे पहला आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मौसम। देखिए, जब भी आप व्यापार शुरू करते हैं ना कपड़े का, तो आपको मौसम का अनुमान जरूर लगाना है। देखिए क्या होता है कि कपड़े का जो व्यापार होता है, चार चार महीने बाद सीजन चेंज। आप मान लीजिए ठंड है, फिर गर्मी आ जाएगी, फिर बरसात आ जाएगी, सेमी विंटर चलता है, ये चला ही रहता है। थोड़े थोड़े दिन बाद, चार चार महीने बाद सीजन चेंज हो जाता है। और अब आपको इससे बचना, देखो आप इसको बदल तो सकते नहीं हो, है ना, तो आपको इसका सलूशन क्या है? क्योंकि देखो, आपने जो 5 लाख रुपए से कपड़े का व्यापार शुरू किया था, 5 लाख में तो आपने गर्मी का कपड़ा खरीद लिया, अब आप विंटर का कपड़ा कहाँ से लेके आएंगे, सेमी विंटर का कपड़ा कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। देख लीजिए, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का कपड़ा खरीदा होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपको पता है कि अगला सीजन जो हमारा, मान लीजिए आजकल क्या है, बरसातें हैं, और बरसात के बाद आपको ठंड वगैरह शुरू हो जाती है, तो ठंड आने से पहले 1-1.5 महीना पहले ही आपको अपने स्टॉक को जिस रेट पे खरीदा होगा उस पे बेचने की कोशिश करनी है, कुछ डिस्काउंट लगाने हैं, स्कीम निकालनी है, ताकि आपका स्टॉक क्लियर हो जाए। और अगले सीजन में जैसे कि आपका सीजन शुरू हो जाए और आपने 1-1.5 महीने पहले स्टॉक को ऐड करना भी बंद कर देना है। मान लीजिए गर्मियाँ थी तो गर्मियाँ का स्टॉक मत ऐड करिएगा, क्योंकि आपको पता है आगे विंटर आने वाले हैं, तो आपको विंटर के लिए प्लानिंग करके चलना है कि विंटर में ये चीज़ें चलेंगी, और आपको बचत करना शुरू कर देना। 1.5 महीने में जो आप सर्कल घुमाएंगे, इससे जो पैसा बचेगा, इससे आपको विंटर का सामान खरीदना है। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं और इनका धंधे बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। तो आपको ये सबसे बड़ा बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट है कपड़े के व्यापार में, क्योंकि सीजन हर 4 महीने बाद चेंज हो रहे हैं, पर लेकिन जो छात्र व्यापारी है वो इसकी जड़ पकड़ लेता है, ठीक है ना। और ये जड़ क्या है कि 1.5 महीने पहले ही एग्जिट कर दो कि भाई साहब अब गर्मियां हैं और अब हमें ऐड करना है, गर्मी का एंड हो रहा है और आगे हमने विंटर का सामान ऐड करना है या सेमी विंटर का सामान ऐड करना है, तो अब हमें गर्मी का सामान ऐड बिल्कुल भी नहीं करना, वो भी 1-1.5 महीना पहले, ठीक है ना। और इस 1-1.5 महीने में आपने कोशिश करनी है कि माल को बिल्कुल ही जीरो करना है, सेल लगानी है, डिस्काउंट में निकालना है, या फिर जो भी आपको बचे खुचे रेट में उसको निकालना है, या जिस भी आपको रेट में आपको उचित लगता है उस रेट में आपको उसको बेच के बस खत्म कर देना है, ठीक है ना। और जो ये पैसा आएगा, इस पैसे से आपको नेक्स्ट सीजन का सामान खरीदना होता है दोस्तों। तो ये सिंपल सी बात है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे दोस्तों जो आ जाता है वो आ जाता है कि देखिए, एक अगर आप व्यापारी हैं तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा। देखिए, एक जो व्यापारी होता है वो हमेशा अपनी नॉलेज को अपडेट करता है। मान लीजिए आप कुछ पढ़ते रहें, सीखते रहें और सिखाते भी रहें। देखिए, अगर आप कुछ सीखते हैं अपनी टीम को भी, आप तभी सिखा पाएंगे। अगर आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया आइडिया ना मिले तो आपका व्यापार ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और आप एक जगह खड़ा खड़ा बिजनेस आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि देखो, आपको पता होगा खड़े हुए पानी में ना स्मेल लग जाता है, यानी ऐसे ही अगर आप एक जगह खड़े जाएंगे ना तो आपकी ग्रोथ ही रुक जाएगी। इसलिए आपको, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आपको कुछ कुछ इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, या बहुत सारी सोशल मीडिया हैं, आप इन से सीख सकते हैं। ट्रेंड फैशन के बारे में सीखिए, कुछ नए नए कपड़े, नई नई फैक्ट्रियाँ कहाँ पे हैं आप उनके बारे में सीख सकते हैं, और अपने कपड़े की नॉलेज को बढ़ाइए। देखिए, जिस काम में आप घुसे हुए हों तो उसकी गहराई में जाइए, समझिए भी कपड़ा है क्या, क्या कपड़ा है, किस किस कपड़े में कितना कलर जाता है, कैसे कैसे कपड़े आते हैं मार्केट में, आपको इतना अंदर तक घुस जाना है। बस जिस लाइन में आप बड़े हुए हो ना, बिल्कुल ही आप उस बिल्कुल टॉप करने की कोशिश करनी है। क्योंकि देखिए, एक समुद्र है, मैं ये तो नहीं कहता कि आप सब कुछ सीख लेंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, पर आपको जब तक आप हैं इस व्यापार में, आपको सीखते ही रहना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। और मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि आप हमेशा ही सीखते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट पे। जैसे जैसे दोस्तों आपका व्यापार बढ़ता है ना, तो आपके खर्चे भी बढ़ते रहते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों पे आपको काम करना है। जैसे कि आपका बिजली का बिल बढ़ेगा, आपको पता है फालतू की इलेक्ट्रिसिटी आपकी शॉप पे वेस्ट हो रही हो। अब मान लीजिए आप दिन में ही बहुत सारी लाइटिंग बाल देते हैं, आपके बंदे एम्प्लॉई आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो भी बड़ा नुकसान हो जाता है आपका। और आपको इसके लिए अभी से मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जैसे जैसे आपका व्यापार बढ़ेगा और आप इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देंगे, पर क्या होता है कि देखिए, अगर हर महीने में 2-3 हज़ार रुपये आप एक्स्ट्रा दे रहे होंगे, तो पूरे साल का आप 24 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे देते हैं। अगर 2 हज़ार रुपये एक महीने में भी एक्स्ट्रा दिया ना बिजली का बिल, तो इसलिए ध्यान रखिए, अगर एक्स्ट्रा AC चल रहा है,
या एक्स्ट्रा लाइटिंग बढ़ी हुई है, तो कोशिश करिएगा जैसे ही कस्टमर जाते हैं तो उन्हें बंद कर दीजिए, जैसे कस्टमर आ जाते हैं लाइटिंग ऑन कर दीजिएगा, इसमें कितना टाइम लगता है। और अपनी टीम को ये चीज़ें बता दीजिएगा, उन्हें सिखा दीजिएगा, उन्हें बिल्कुल क्लियर कर दीजिएगा कि ये चीज़ें बचत करनी है, जहाँ से हो सकता है लाइट बचाने की कोशिश करनी है आपने, ठीक है ना। और ये आज ही नहीं, हमेशा आपको करते रहना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर हमारा फोर्थ पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, फोर्थ पॉइंट में आता है कि आपको लगातार परचेजिंग बेस्ट करनी है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ये गलतियां कर देते हैं कि एक ही वेंडर से माल खरीदते रहते हैं, एक ही होलसेलर से माल खरीदते रहते हैं, तो देखिए व्यापार कैसे बढ़ेगा आपका। आप एक ही बंदे के पास जा रहे हो, बार बार उसी से माल खरीद रहे हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, और भी होलसेल मार्केट, देखिए कपड़े का व्यापार मैंने बताया ना आपको समुद्र है, और आपको सर्च करते रहना पड़ेगा नए नए लोग, नए नए होलसेल मार्केट, नई नई वैरायटियां, नए नए ब्रांड, नई नई क्वालिटीज, अच्छी से अच्छी चीज़ लेके आने की कोशिश करिएगा। जैसे जैसे आपका व्यापार पुराना हो जाएगा, आपका एक नाम बन जाता है, और एक नाम को मेंटेन करने के लिए आपको बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट अपनी शॉप पे लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। जब आप ये काम करते हैं तो आपको पता होगा कि लखविंदर की दुकान 25 साल पुरानी, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए गौतम फैशन है, और ये देखो गौतम फैशन 40 साल पुरानी कपड़े की दुकान। तो आपका भी एक टाइम आएगा, हमारा भी एक टाइम आएगा, रॉयल गारमेंट देखो 150 साल हो गए हैं, है ना। तो ये चीज़ें तब होती हैं जब ये लोग अपडेट करते रहते हैं, है ना, अपने व्यापार को अपडेट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नई पार्टियां उसे माल खरीदते रहते हैं, सीखते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी आपको करती रहनी पड़ेगी, अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और बहुत सारे लोग ये करते रहते हैं, एक ही बंदे से माल लेते रहते हैं, वो स्कीम के चक्कर में आपको सस्ता तो देता है, स्कीम के चक्कर में सस्ता देता है, बड़े आपको प्रॉफिट नहीं होता उसमें, वो बचा हुआ माल दे दिया, ट्रेंड फैशन नहीं है उसमें, तो उसे बेच के करेंगे क्या आप, सस्ता तो ले लिया आपने। लड़के लोग क्या मांग रहे हैं, फैशन मांग रहे हैं, उनको फैशन ही नहीं मिल रहा। तो फैशन को आपको ढूंढना पड़ेगा मार्केट में, इसलिए आपको नए नए होलसेलर, आपको बढ़िया से बढ़िया होलसेलर को सर्च करते रहिएगा। ये आपको आज ही नहीं पूरी जिंदगी भर करते रहना पड़ेगा, मार्केट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करिएगा, होलसेल मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करिएगा, और ये लगातार करते रहिएगा, ये मेरा अपनी तरफ से सुझाव है। तो पांचवा जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है हमारा कि ग्राहक को झूठे वादे मत करें। देखिए दोस्तों अगर आप ग्राहक को झूठे वादे करते हैं ना, और अगर आप उन्हें कहते हैं कि ये हमारी क्वालिटी है जी, ये पेंट है और इसमें कलर नहीं जाएगा, ये शर्ट है इसमें बिल्कुल कलर नहीं जाता है, ऐसे झूठे वादे कभी भी ग्राहक को मत करिएगा। देखिए आप रेडीमेड कपड़ा खरीदते हैं, आपको क्या पता उसमें कलर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप ये बात बोलते ही क्यों हूँ, मैं तो ये बात से परेशान हूँ, लोग ये बातें करते क्यों हैं, क्या ग्राहक को वो अपना दिखावा दिखाने के लिए बहुत बढ़िया कपड़ा बेच रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आप देखो ये कह सकते हैं कि 5-10% तक कलर फेडिंग हो जाता है जी, ऐसा नहीं है कि कॉटन है कपड़ा, और हमें भी नहीं इतनी नॉलेज है, देखिए कपड़ा हम भी रेडीमेड बेच रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरा काम करिए, ज़्यादा झूठे ग्राहक को वादे मत करिए। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि गारंटी है जी हमारी, आगे देख लेना आप रंग चला जाएगा, पीस टू पीस रिप्लेस कर देंगे, तो ये सारे झूठे वादे होते हैं। जो आपको एक अच्छा होलसेलर, एक बंदा होता है जो जनरल रिटेलर होता है, वो ये कभी भी बात नहीं करता है, तो आपको इस बारे में ध्यान रखना है दोस्तों। और जो जनरल चीज़ होती है वही ग्राहक को बताएं, बिल्कुल साफ सुथरा काम करें। देखिए हल्का फुल्का झूठ मैं मानता हूँ ग्राहक को बोलना पड़ता है, उनके मन को तसल्ली करने के लिए हमें बोलना पड़ जाता है, पर ये ज़्यादा झूठे बड़े वादे कर देते हैं कि लोगों से गारंटी है जी कपड़े में बिल्कुल रंग नहीं जाएगा, ये नहीं होगा, तो ये सब झूठ होता है। तो आप ऐसा कभी भी मत करिएगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको इससे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लोग पहन लेते हैं और वो डाल लेते हैं, फिर उनको पता लगता है ऐसा नहीं ऐसा हो गया। कई बार प्रॉब्लम नहीं भी होनी होती है, तब भी वो प्रॉब्लम लेके आ जाएंगे आपकी दुकान पर, और आप फिर एक दो पैंट तो आप वापस लेंगे, 10-15 पीस कहाँ रिटर्न ले पाएंगे, ठीक है ना। अगर 10-15 पीस अगर आपने 50,000 रुपये का माल खरीदा, 15-20 पीस आपके रिटर्न आ गए, तो मेरे हिसाब से आपका दुकानदारी बंद होने तय है, ठीक है ना। तो इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और ऐसा कभी भी मत हो करिएगा, क्योंकि देखिए ग्राहक को कभी भी झूठे वादे बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए कुछ नॉलेजफुल साबित हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतनी वीडियो लेके आते हैं आपके लिए, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो गारमेंट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या जिन्होंने किया हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो चल रही है, टाटा एंड बाय बाय।